सो गाइस दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है कैसे आप BNVideo Editor ऐप के अंदर अपनी वीडियो को डार्क कलर का कलर ग्रेडिंग कर सकते हो या बोल सकते हो रील्स वीडियो को डार्क कलर ग्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना हो और सीधा चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस तो आप देख सकते हो मैं आज को BNVideo Editor ऐप में। तो BN ऐप पर आने के बाद सबसे पहले नीचे आपको यहाँ पर एक प्लस आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ से अपना वीडियो ऐड करेंगे। सो यहाँ से मैं अपना वीडियो ऐड कर लेता हूँ। सिंपली आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे और आप चाहो तो यहाँ पर आपको मिलता है ऑल, इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आप अपना कोई भी फोल्डर सिलेक्ट करके वहाँ से आप वीडियो को ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप इस तरीके से फोल्डर से भी वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपको ये जो एरो का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका वीडियो आ जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वाटरमार्क मिलता है, आप देख सकते हो, तो इसको आपको डिलीट कर लेना है। सिंपली डिलीट के ऊपर क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। सो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक जो फिल्टर मिलेगा। सो मैं आपको दिखाया तो आपको राइट पे स्क्रॉल करना है और ये वाला फिल्टर ये आप देख सकते हो, जस्ट एक ही क्लिक किया और हमारी वीडियो का जो कलर है सो आप देख सकते हो डार्क कलर में कलर ग्रेडिंग हो चुका है। और इसके साथ और भी मिलता है लाइक यहाँ पर, सो ये आप देख सकते हो ये भी काफ़ी सही है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा फिल्टर मिलता है और ये जो हमें चाहिए डार्क वाला, तो डार्क वाला यहाँ पर मिलता है, ये आप देख सकते हो, इसे आप अप्लाई कर लेंगे और यहाँ से आप इसका ओपासिटी जो है उसे कम ज़्यादा करके देख सकते हो। सो अभी आपको आ जाना है एडजस्ट पर और यहाँ पर आपको आ जाना है कॉन्ट्रास्ट पर। सबसे पहले इसका कॉन्ट्रास्ट आपको इंक्रीज़ करना है, सो कॉन्ट्रास्ट को आपको 30% तक इंक्रीज़ करना है। सेचुरेशन को आपको इंक्रीज़ करना है अराउंड 15 से लेकर 20% तक और वाइब्रेंस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से आप शार्पन को यूज़ करना है। सो 10% तक कर लेना, उसके बाद आपको क्या करना है सो सिंपली कर देना है डन। सो अभी दिखाया तो बिफोर, सो बिफोर आपका वीडियो कुछ ऐसा था और हमने इसको कुछ इस तरीके से जो एडिटिंग कर लिया, देख सकते हो। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, सो इसके ऊपर क्लिक करके आप प्ले करके देख सकते हो और आप देख सकते हो यहाँ पर हमने अपना वीडियो को डार्क कलर का कलर ग्रेडिंग कर लिया। और आजकल आपको रील्स वीडियो पर ज़्यादातर इसी तरीके का कलर ग्रेडिंग ही देखने के लिए मिलेगा। सो अगर आप इंस्टाग्राम रील्स देखते हो या बनाते हो तो आपने ये चीज़ नोटिस शायद ज़रूर किया होगा। सो अभी मैं इस वीडियो पर भी आपको करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो ये भी हमारा एक वीडियो है, तो सेम हमें इस पर भी ऐड करने के लिए यानी कि इसको कलर ग्रेडिंग करने के लिए डार्क कलर का तो फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। ओके सो यहाँ पर आने के बाद आपको राइट पे सिंपली स्क्रॉल करना है और ये मिलता है। सो अगर आप कुछ इस टाइप का करना चाहते हो मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो अगर आप कुछ इस टाइप का फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आपका वीडियो कुछ ऐसा कलर ग्रेडिंग हो जाएगा, यानी कि इस टाइप का कलर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ये बिफोर और ये आफ्टर। और अगर आपको बिल्कुल डार्क वाला चाहिए तो आपको यहाँ पर आना होगा राइट पे स्क्रॉल करके और आप ये वाला अप्लाई कर लेंगे तो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। सो आप देख सकते हो बिफोर और ये इसका आफ्टर। और अगेन आप एडजस्ट पर आके इसका जो कॉन्ट्रास्ट है उसको इंक्रीज़ कर लेंगे और सेचुरेशन को भी आप इंक्रीज़ कर लेंगे और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन मिलते हैं इनसे आपको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन तीनों ऑप्शन करते हो तो यूज़ करते हो तो आपका वीडियो जो है और भी बेहतरीन बन जाएगा। सो यहाँ से टिक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे और ये बिफोर इसका और ये इसका आफ्टर। सो आप देख सकते हो मैं आपको स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने अपने वीडियो को डार्क कलर का कलर ग्रेडिंग कर लिया। सो अभी मैं आपको दिखाया तो यहाँ पर आपको आ जाना है फिल्टर पर। फिल्टर पर आने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी फिल्टर दिखाई दे रहे हैं तो इन सब को बेसिकली मैंने मैन्युअली ऐड करके रखा हो, ठीक है। सो इस एप्लीकेशन का ये डिफ़ॉल्ट प्रीसेट नहीं है और ना ही इस एप्लीकेशन का ये डिफ़ॉल्ट फिल्टर है। सो इन सब को मैंने मैन्युअली ऐड करके रखा हूँ, तो आप कैसे ऐड कर सकते हो। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको इन फिल्टर का लिंक मिल जाएगा, आप उनको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जिप फाइल के साथ को उसको आप अनजिप कर लीजिएगा अपनी फाइल मैनेजर पर किसी भी फोल्डर पर। सो उसके बाद आपको ये जो प्लस आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्लस मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है, फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना फोल्डर से ऐड कर लेंगे, लाइक कुछ इस टाइप का फिल्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। सो ये मुझे बोला कि मैंने इसको ऐड कर लिया ऑलरेडी, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आप इस तरीके से जो है मैनुअली फिल्टर ऐड कर सकते हो। अभी बात करते हैं वीडियो आप कैसे सेव कर सकते हो अपनी गैलरी के अंदर। तो
तो वीडियो सेव करने के लिए आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से रेजोल्यूशन 2K या 4K चूज़ कर लेना, या 1080p भी चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे टिक मार्क ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका वीडियो आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।